ये ऐड, ये तुम्हारा है, अभी इसको थप्पड़ देती मैं। ये ऐड गलत है तुम्हारा। मुझे काहे? उसका गलत हो गया, मैं सोचा तुम कह रहे हो ये, मैंने कहा ये तुम्हारा है। हाँ बताओ। मैंने कुछ नहीं लिखा, यहाँ लिखा डिस्टेंस कवर्ड इन वन राउंड का मतलब है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, ये फॉर्मूला लिख तो दिया, फोर मल्टीप्लाई साइड, फिर उसके नीचे फोर टू साइड कितनी है वो लिख लिया, कैसे करा है। स्टेटमेंट ये लिख दी ना, ये तो स्टेटमेंट है, इसके नीचे करते जाते हैं, इधर लिखने की जरूरत नहीं होती, कितना दबा रही है ये, इसका मतलब यही यही चीज है, नीचे तक जा रही है जो, यानी ये डिस्टेंस कवर्ड इन वन राउंड निकल आया, इसका मतलब एक ही बार लिखते हैं ये, बार बार नहीं लिखते हैं, डिस्टेंस कवर्ड इन वन राउंड ये आया सॉल्व करके, फिर डिस्टेंस कवर्ड इन टू राउंड का मतलब ये जो आंसर आया हुआ। हाँ जो मैंने करा था ना ये वाला, वो सर के पास है, मैंने सर को दिखाने के लिए दी थी क्योंकि उसमें मोबाइल था ना, इसलिए उधर को खिसक जाओ थोड़े से, एट क्लास में ले रहा, तुम भी इधर बैठ जाओ सामने, उधर बैठो, इधर मत बैठो, चलो इधर किसको, उधर बैठो सामने जाके, जाओ उधर ऊपर से चले जाओ यहीं से, अरे यहीं से चले जाओ, निकल निकल बैग को अपने उधर साइड में रख लेना, कोई बात, जाओ मैं दे दूंगी बैग, चले जाओ ऊपर, मैं दे दूंगी बुक वगैरह, ये दोनों यहीं बैठ रहेंगे ना, दोनों एक साथ करते हैं, लो बैग को उधर नीचे रख देना, आराम से बैठ जाओ, अब ठीक है, देखो कैसे करना है तनिष्क वाला ना, इसके नीचे कुछ नहीं है तो बन लगा के लिख लो पहले, इसके नीचे बन लगा के लिख लो, अगले स्टेप में, अगले में अब लिखो एक्स, हाँ नीचे बन लगे, नहीं बन तो लिखो पहले एक्स में, माइनस दूर है यहाँ नहीं, अलग लिखना है ना, लगाओ माइनस, हाँ लगाओ दूर, अभी उतार दो एक्स, हाँ एक साथ, हाँ फिर बन, इसके नीचे बन लगा दो, माइनस लगाओ, और ये उतार दो, ये लाइन नहीं खींच रखी, इसके लाइन टच करके नहीं खींचना, नंबरों से अलग खींचते हैं, ठीक है तुम्हारा, ये इसको छोड़ के सारे एक्स के ना? नहीं रुपीस नहीं दिया ना तो रुपीस नहीं डालते हैं, अगर दिया होता तो डालते हैं, लो करो लाओ, अब देखो अब क्या करेंगे, इनका एलसीएम निकालेंगे, यहाँ पे लाइन खींच लो बड़ी सी, थोड़ी सी बड़ी, यहाँ तक ही आएगी, इससे आगे नहीं जाएगी, कौन से पहले पहले माइनस करना है, 1 और 2 का एलसीएम 2 ही आएगा, 2 लिख दो, अब 1 से 2 को डिवाइड करोगी तो कितना आएगा, 2 को x में मल्टीप्लाई तो 2x लिखो, माइनस लगाओ बस, अब ये है ना, ये दो नंबर हो ना तो ब्रैकेट लगा लो सीधे, क्योंकि बाहर माइनस है तो ब्रैकेट लगा लिया, गलती नहीं होगी, रुको लिखना नहीं है अभी, इसे मैंने बोला ब्रैकेट लगा लो, अभी 2 से 2 डिवाइड करके कितना है 1 आएगा, 1 का x में 1 लिख के 1 यहां बाहर लिखा जाएगा, 1 लिखो ब्रैकेट के बाहर, x ये माइनस लगाओ, 1 उतार दो, ब्रैकेट बंद कर दो बस, अभी खुला साइन लगाओ, ऐसे इसको एलसीएम में करना है, लाओ अब करना है तुम्हें सब्ट्रैक्ट, कल से मैथ्स की बुक लेना है, नहीं मंडे से बुक लेके आनी है तो पटाई लगेगी, बुक लेके आया करो अपने, वही मैं कल मंडे सुना देना मुझे सारा, जो भी आएगा ना एक बार मैं सुन लूंगी, मंडे को रिवाइज कर लूंगा सारा एक ही साथ, वही वर्कशीट में से ही आया, कुछ नहीं है वर्कशीट में आती है, क्योंकि वर्कशीट निकलवा लो, वर्कशीट निकलवा तो रखी थी तुम, कह रही थी वो वाली निकलवा लेना, वो 3 की जो बोल रहा है वही निकलवाना, से चलो लिखो यहां 2x, जल्दी पढ़ो करने 2x माइनस माइनस का प्लस, हां माइनस प्लस, देखो माइनस तो लगा दिया, एक्स लिख दो, ठीक है 1 एक्स एक्स, माइनस माइनस प्लस प्लस लगा दो, 1 बन जा 1 लिख दो, और नीचे लाइन खींचो,
अब इक्वल लगाओ, फिर लाइन की जो बीच में बड़ी सी लाइन थी, हाँ अब देखो थ्री माइनस वन का एक्स से करेंगे तो एक्स प्लस माइनस माइनस प्लस लगा दो, वन टू जा टू टू नीचे थ्री लिख दो बीचों बीच टू एक्स में से एक एक्स गया तो खाली एक एक्स बचा, एक्स लिख दो। और एक चीज और ध्यान देनी है इसमें बड़ा कोना ये है, प्लस का है इसलिए कुछ नहीं रहा, प्लस का है। अब प्लस वन लिख दो उसको यहाँ पे, प्लस वन पूरे के नीचे अपॉन टू लिख दो, इनके नीचे अपॉन टू। अब इक्वल का साइन लगाओ फिर से ऐसे, इसको लाइन की जो छोटी सी ज्यादा बड़ी नहीं, बस अभी रुको, ये लाइक है ना, ये लाइक है ना, तीन है प्लस का, ये भी प्लस का, तीन और दो पाँच, पाँच और माइनस एक्स है, फिर लिखो फाइव माइनस एक्स, थोड़ा बड़ा लिखो, लाइन को बढ़ा लेंगे ना नीचे वाली को, बस। अब मैंने बताया था जब यहाँ तक पहुंच जाओ ना तुम फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई इसका इससे, ठीक है, इसको कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। मैं बता रही हूँ ऐसे निशान लगाना, सब समझाने के लिए बता रही हूँ, इसका इससे यानी को थ्री, फिर ब्रैकेट के अंदर लिखो x प्लस वन, हाँ फिर इक्वल का साइन लगाओ, ब्रैकेट बंद कर दो, गुड। अब लिखो फाइव, एक मिनट सॉरी, ये टू है ना, इससे मल्टीप्लाई टू लिखो पहले, यहाँ ब्रैकेट के अंदर लिखो फाइव माइनस एक्स, हो गया। अभी इसका इससे मल्टीप्लाई करो, ठीक है, एक्स से थ्री एक्स लिखो, अब थ्री का प्लस वन से करेंगे, थ्री बन जा थ्री लिख दो, प्लस तो लगाया नहीं तुमने, अब इक्वल का साइन लगाओ, टू का सेकंड टू फाइव जम टेन, प्लस माइनस माइनस लगाओ, टू बाय टू एक्स, टू एक्स। अब एक्स एक्स वालों को हम एक तरफ करेंगे, लाइक टर्म्स बोलेंगे ना, तो एक्स वाले थ्री एक्स लिखो पहले यहाँ। अब ये माइनस का टू जब इक्वल के उधर जाके होगा साइन चेंज होगा, तो किसका हो गया, अब ये प्लस माइनस का है ना, इधर उधर गया तो प्लस का हो गया, देखो प्लस टू एक्स इक्वल, अब टेन लिख दो ऐसे कैसे, अब प्लस का थ्री इधर आ गया तो माइनस थ्री, ठीक है, थ्री एक्स और टू एक्स कितने एक्स हो गए, देखो फाइव एक्स इक्वल टेन में से थ्री गया, अरे समझ में, ये दो लाइन क्यों छोड़ी, एक लाइन छोड़ो ना, मैं एक सम दे देती हूँ यहाँ पे, वेस्ट करते हो तुम पे, रुक दो एक मिनट, कनेक्ट क्या हो गया, ये फाइव है ना, मल्टीप्लाई नीचे आएगा, सेवन अपॉइंट फाइव लिख दो बस, हो गया आंसर आ गया तुम्हारा। अब एक बार पढ़ के देखो कैसे किया है, तो मैं कहाँ समझ नहीं आ रहा, समझो फिर हमने ना यहाँ पे दोनों की तरफ लाइन खींची इक्वल के बीच में, फिर यहाँ पे हमने टू और वन का एलसीएम निकाला, चलो लिखे वो करके बताओ, नंबर डाल दिए मैंने कौन कौन से करने हैं, टू का अगर डिवाइड करेंगे तो वन से टू आएगा, टू वन जो टू एक्स तो टू एक्स लिखेंगे, ये गलत बता दिया तुमने, क्यों गलत है देखो, पॉइंट है ना, पॉइंट के इधर पॉइंट के पहले नीचे क्या एट है ना, तुमने क्या लिखा थ्री, तो गलत नहीं हुआ, एट पॉइंट के बाद लिख दिया तुमने, ये मिटाओ नीचे का गलत बता दिया तुमने, गलत कर देते हो तुम तो, माइनस एक्स अगर इधर जाएगा तो प्लस का वन बन जाएगा, थ्री एक्स इधर जाएगा तो प्लस बन जाएगा, यही बात इसमें भी है, यही बात इसमें भी है, जब मल्टीप्लाई करते हैं ना डिवाइड, तो बोलने से जो साइन आ रहा है वो लिख देना है, ठीक है, और आगे पीछे कर, हाँ हाँ जो पहले करना चाहते हो वो पहले कर लो,
फिर सही लिखा है तुमने पहला सही है। ठीक है डिवाइड दे दो फिर। हां डिवाइड कर रहा हूं। मट्टी एंड डिवाइड और दे दो। एक एक की करके दिखा दो। प्लस ये डिवाइड है ना, लिखेंगे पर इसको उतारेंगे ऐसे, ये लिखेंगे इसको उतारेंगे ऐसे, थोड़ा सा ज्यादा वो इसका सिस्टमैटिक लाइन होगा, नीचे इधर वाले का इससे होगा। इसलिए हमें 3 का अंदर वाले से मल्टीप्लाई, दो है ना इसलिए ब्रैकेट में करना। अगर एक ही नंबर होता तो सीधे लिख देते 3x ऐसे लिख देती मैं, नहीं दो नंबर थे तो इससे भी मल्टीप्लाई 3 का, फिर इससे भी मल्टीप्लाई ऐसे, इधर 2 का भी इससे और 2 का x से भी मल्टीप्लाई, तो ये आंसर आ जाएगा 3x अंदर आया 0 0 5 0 7 फिर 5 1 में 7। अब ठीक है तुम्हारा, माइनस का साइन नहीं लगाते हो तुम, ऐसे साइन लगा के किया जरा बहुत इजी है ना, इजी देखना कितने हार्ड हार्ड कर रहे हैं ना। लो इनको बार बार प्रैक्टिस करते रहोगे ना अपने आप ही आने लगोगे। अब नेक्स्ट पेज से ही करेंगे है ना, क्योंकि फिर नहीं तो नहीं पाएगा। एक पेज के लिए 8 हो गया, 9 वाला उतारो, सही उतारना है करना चाहिए साफ साफ जैसे भी उतारा। थोड़ा साफ निकले, 5 कैसा गंदा सा बनाते हो, कीड़े से मार दिए तुमने तो, सुंदर सा 5 बनाओ है ना। कवर लगा लो, ये नोटबुक का इतनी जगह स्पेस मिल रहा है, पहले क्यों कवर लगाओ अपना। हाँ ऐसे ही बनाना है, अच्छा बनाया तुमने, सुंदर ही लिखना है। उतार के तो रखो, सही उतार लिया अपना, लॉकबुक में चले जाओ मैं देख लूं। कुछ नहीं करना है इसमें, क्या करो तुम एलसीएम ले लो इधर वालों का, 3 और 5 का एलसीएम कितना आएगा, एक टेबल में नहीं आते ना तो इनका मल्टीप्लाई इनका एलसीएम होता है, दोनों कैसे नंबर हैं, दोनों प्राइम नंबर हैं तो इनका मल्टीप्लाई इनका एलसीएम होगा, लिखो 15 बीचों बीच लाइन खींच के। आ रहा है तुम्हें? तो ये आ रहे हैं। नहीं आ रहा तो बताओ फिर बैठे क्यों, नहीं आता तो पूछ लेते हैं। इधर आओ देखो क्या गलती कर दी तुमने, वहीं बैठ रहे हो नहीं तो आ जाओ इधर, तो क्या गलती की नीचे पॉइंट है ना, पॉइंट के पहले क्या लिखना है, नहीं पॉइंट के पहले, पॉइंट से पहले, पॉइंट से पहले हाँ क्या लिखा हुआ है, और तुमने 0 लिख दी, 2 लिखना है ना, पॉइंट के बाद लिखना है 0 है। जाओ उधर ही मिटाओ, नीचे मत बैठो, वहीं बैठो जाके, या इधर उधर खिसक जाओ, इसको यहीं बैठ जाना दो, ये थोड़ा गलत कर रहा है ना इसलिए इसको समझाना, मैं समझा दूंगा, नहीं समझा पाऊंगी ना, थोड़ा सा बैठ जाओ, उधर बैठ जाओ थोड़ी देर बाद बैठ जाना, अभी वो कर रही है उसको सम कराए, तुम्हें आता है तुम जल्दी कर लेते हो, इसको थोड़ा सिखाना पड़ेगा ना, ये मिटा दो नीचे वाला, मिटाओ से मिटा लो ना, ले हां 10x, एक मिनट एक मिनट, सही कर रहे हैं। फिर माइनस लगा दे, माइनस से तो लगाओ। मैं इसको वैसे ही कराती जैसे पीछे कराया, डायरेक्ट कर दिया, डायरेक्ट नहीं कर पाऊंगी। कितना आया तुम्हारा? 5 लिखो बस यहां पे। हां चलो काट लो। लाइन खींचो। नहीं लाइन। वैसे ही करो जो पीछे कराना उसी मेथड से ठीक है, तो फिर गलती होगी। ये 0 नहीं लगाई, गलती हो गई, 0 सा 0 तो ये 0 तो आए 40 तक का है, तो ठीक है ठीक है, फिर तो मुझे लगा पता नहीं ऊपर से अलग से 0 उतार लिए, ठीक है। वो वाली 0 वाली थी ना, वो बस वो चेस्ट है ना, मुझे कुछ और दिख रहा है, मैं क्वेश्चन रिमाइंडर ले गया मैंने, लिख सकते हैं लाओ दिखाओ तुम्हें, अभी माइनस माइनस तो बाद में, पॉइंट लगाओ पहले, पॉइंट के नीचे रुको एक मिनट, तनिष्क इसको बताओ, पॉइंट लगाओ, पॉइंट के पहले क्या लिखा हुआ है, 2 लिख दो यहाँ, पॉइंट के बाद क्या लिखा हुआ है, 0 और फिर पॉइंट 0 के बाद 7, अब देखो कैसे माइनस करोंगे, 5 में से नहीं हो रहा इधर कैरी लेना पड़ेगा, मिटा के सही कर लो। हाँ तरीका देखो, 3 5 5 5 5 लिखो पहले यहाँ, ये मल्टीप्लाई हम तब करते हैं अगर एक नंबर है दो नंबर है ना एक साथ, तो उसको फिर ब्रैकेट में ही कर लिया, ब्रैकेट में लिख दो ऐसे कैसे 2x - 1 देखो ब्रैकेट में, निकोलिया अब यहाँ माइनस लगाओ ये वाला, निकोलिया एक मिनट
ये नहीं पूरी लाइन पूछो पहले, यहाँ तक खींचो पूरी लाइन, रुको एक माइनस लगाओ वहाँ माइनस, बस अब 5 से 15 को डिवाइड करो कितना आया 3। अब ब्रैकेट के अंदर लिख दो 6x माइनस 2 ब्रैकेट में। हाँ माइनस नहीं कर रहे हो, कैरी वगैरह लो और फिर माइनस करो इसे। हाँ अब इक्वल ये भी तो लिखना, लिखो इक्वल 1/3। अब फिर लाइन खींचना बड़ी सी, नीचे भी लिख दो जो तुम्हारा वो एलसीएम लिख रखा ना नीचे वहाँ 15। अब इसका मल्टीप्लाई करो 5 × 10x, अब रुको x माइनस प्लस माइनस माइनस 5 अच्छा इसका इससे भी मल्टीप्लाई इससे भी 5 अच्छा 5 माइनस 5 लिखो। अब माइनस 3 का इससे करो माइनस प्लस माइनस लगा दो पहले। अब 3 × 6 जा 18x, x भी तो x भी लगेगा 18x। वॉशिंग मशीन चल रही है उसकी आवाज़ है। अब रुको अब देखो इधर माइनस माइनस प्लस 3 वेरी गुड। अब लिखो इक्वल 1/3 लिख दो जो भी है। अब लाइक टर्म्स को एक साथ सॉल्व करो, मैंने वो यहां पे देख लिया। अब लाइक टर्म्स को एक साथ x वाले कौन से, ये दोनों हैं ये प्लस प्लस माइनस माइनस पर साइन किसका आएगा जो बड़े के पहले है, माइनस ही लगा दो। 18x में से 10x घटाओ कितने x बचे वो लिख देना, माइनस लगा दो यहां पे पहले माइनस। अब 18x में 10x देख कितने x बचे वो लिखो। अच्छा 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 ये लगता है यहां 18 का है हमारा। गुड तुम सही कर रहे हो, थोड़ा सा लिखते गंदा हो बस ये है प्रॉब्लम, कर सही रहे हो लेकिन लिखते प्रॉब्लम है। मुझे बस एक और दे दो ना भाई, ये करो अब इसको, ये लाइक है ना माइनस फाइव माइनस प्लस माइनस घटाएंगे, बड़ा को नहीं है तो इन पर प्लस करवा लो तो माइनस करो, 6 में से 5 गया नहीं तो जितना आ गया गुड। अब लाइन खींचो नीचे, अब 15 लिखो बीचो बीच, अब इक्वल ये उतार दो जो लिखा हुआ है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ तक पहुँच गई, अब तुम देखो नीचे पलटो जरा, यहाँ पहुँच गया तुम्हारा सम, यहाँ आ गई अब इसका इससे मल्टीप्लाई ऐसे करना है और इससे, अब करो कर लो नी, साइन का ध्यान रखना है, साइनों को बोलना है पर लिखते हुए। एट प्लस वन लो 15, ये तो वो नहीं है इसको क्या ब्रैकेट, गुड सही कर रहे हो, मुझे भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। जाओ तो सबसे ही नहीं रहते हैं। हाँ ये देखो क्या बड़ा बन रहा है, जो इसको ब्रैकेट की जरूरत है, एक ही नंबर है ना तो खाली मल्टीप्लाई का साइन लगा के लिख दो, ब्रैकेट की जरूरत नहीं है इसके लिए, काट दो ब्रैकेट। हाँ मल्टीप्लाई बन रहा है ऐसे लिख दो, ब्रैकेट की जरूरत नहीं है, ब्रैकेट तो लगाना ही नहीं, ब्रैकेट इसलिए लगाया क्योंकि ये दो नंबर है ना, दो डिजिट है दोनों का मल्टीप्लाई होगा अलग। अब ये प्लस माइनस देखो माइनस माइनस 24x पानी डाल देना, एक मिनट साइन पढ़ना है, साइन को पढ़ना है माइनस प्लस माइनस, हाँ साइन लगाना है ठीक है। अब इक्वल 15 लिख दो बस, अब लाइक टर्म्स को फिर एक करो, यहां भी देखो तब तक x वाला ये है पीला वाली उसको यहीं रहने दो, लिखो माइनस 20 यहां इक्वल के पहले हुआ माइनस 24x बता देते हैं ठीक है, इधर से माइनस करते हैं इधर से सिखाया फिर तुम पिटते हो इसीलिए, सही करो माइनस गलत कर रहे हो, और ये साइड में माइनस है ना वे सब ऊपर लगा दो, इससे चाहे नीचे लाओ पर एक ही बात होती है माइनस ऊपर लगा दो। अब कटिंग कर लो, 3 से कट रहे हैं ना दोनों, ऐसे देखो तुम करो कर दो
यहाँ पे ब्रेड ब्रेड लिखते जाना है, यहाँ भी ब्रेड लिखो, ब्रेड ब्रेड लिखो पहले। 70 बजे, 8 बजे, 9 बजे। 70 नहीं बोलते इसको, 17 बोलते हैं। 9 बजे। 5 ये उतारा हमने पहले, ले ये बताओ 15 डिवाइड करने में 5 आ रहा है। देखो एक बार में कितना आ गया तुम्हारा। इधर एक ब्रेड, यहाँ पे 6-8 आ गया था, दूसरे काट दिया हमने। साइन लगाओ, माइनस ढूंढ लो, इसलिए गलत हो गया। इधर भी ब्रेड लिखना है, नीचे दोनों जगह ब्रेड लिखो, वहाँ पे वो ब्रेड निकल के आ रही है। चलो पढ़ के देखो, इजी लग रहा है, नहीं लग रहा अब सही है इनको, फिर भी ना बात जब कराना छोड़ देते तो प्रैक्टिस करते रहोगे। लाओ इसको ऐसे 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 ऐसे, फिर ऐसे ही वाला इसके ये गलत थिंग है। डिस्टेंस कवर्ड इन वन राउंड का मतलब है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। एक राउंड में जो डिस्टेंस है उसका मतलब क्या है? पेरीमीटर। तो यहाँ पे पहले पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर लिखना है, फिर सही है बाकी, फिर बाकी का बाद में चेक होगा। पेरीमीटर क्यों मार रही है उसको इतनी देर से? कर जा रहे हैं चलो, सही है तुम्हारा कुछ। आप सारे क्लास ये वाले मत दो, मुझे आप डिवाइड वाले दे दो। टेंशन ना लो, डिवाइड ही दे रही हूँ, हमारे बोलने से पहले लिख दो मैंने डिवाइड। करो एक बार पढ़ो, फिर नेक्स्ट कराती हूँ मैं। माइनस 8x प्लस आया ये हमारा 15, और ये उतार देंगे। अब 4 इनटू साइड हो गया, इसको मल्टीप्लाई करके लिखना नहीं है। 4 इनटू 1 किलोमीटर तो लिख दिया तुमने। साइड 1 का है, साइड तो 100 मीटर दे रखी है, तो 100 आएगा ना। रुक जाओ एक मिनट। 24x माइनस 3 अपॉन 4 मल्टीप्लाई 1 किलोमीटर, जो 1 किलोमीटर तो साइड तुमने 1 किलोमीटर ही लिखेंगे ना, इक्वल जो भी आपको दिख रहा है ना, ये 1 किलोमीटर है ना साइड, 1 किलोमीटर ही लिखो ना, 100 मीटर क्यों लिख रहे हो? 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो 1000 मीटर लिखा है, लेकिन तुम 1 किलोमीटर, मैडम ने बोला नहीं है इसमें क्वेश्चन में, नहीं बोला कि चेंज करो यूनिट, तुम 1 किलोमीटर ही लिख दो यहां भी, और फिर मल्टीप्लाई करो, 1 किलोमीटर लिखो, 100 को मिटा दो। अगर बोलेंगे ना चेंज करो आंसर मीटर में लाओ, तो फिर 1 किलोमीटर इक्वल 1000 मीटर लेके करना है हमें, किलोमीटर की जगह मीटर लिखेंगे, 1000 को भी हो गया। व्हाट्स रॉन्ग? सही है, आगे हम नेक्स्ट उतारो। चलो अब देखो तुम कैसे एक्सपर्ट बन जाती हो मैथ्स में। मुझे थोड़ा थोड़ा आ गया, मैं नीचे तो प्रैक्टिस करोगी ना, हैंडराइटिंग तो अच्छी है ये, फिर आने के लिए प्रैक्टिस करोगे। हाँ गुड हो गया, 4 किलोमीटर। अब 4 किलोमीटर का ही मल्टीप्लाई होगा, तुमने कितने राउंड लगाने थे तुम्हें? अब हो गया है सही। ये बात ध्यान रखो, जब तुम लिखते हो ना डिस्टेंस थोड़ी का, तो यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ जिसका भी रेक्टेंगल है वो लिखना होता है, ठीक है? जैसे इस वाले में मेरे बैग में, ठीक है? तो ठीक है, रखता हूँ। डी वाला करके दिखाओ जरा, डी वाला। कोई भी अगर वो डिजिट या क्वेश्चन चेंज करके दे दे तो हमें आना चाहिए करना। सर ने ना हमारे क्वेश्चन चेंज करके दिए, चेंज करके ही देते हैं, तो हमें मतलब बिना उसके आना चाहिए। जरूर ना भाई डिजिट देंगे, कुछ भी बना के दे देंगे, नाम चेंज कर देंगे, कुछ भी। ये वाला पेन ले लेना। कुछ किया है? हाँ। अरे वाह, मुझे बताएंगे। सही कर दिया तुमने तो। अच्छा मेरे मदद दे, आप तो ये वाला कर देंगे। मैंने अलग अलग दिए, सेम डिजिट नहीं, मैं अपने मन से दे रही हूँ, वो कहाँ से चीटिंग करेगा? वो कहाँ चीटिंग बता रहा है उसे। मेरी चांद लोगी के इतना बड़ा देख लिया तुम्हारा, और
तुम मेरी जान लेते हो तब भी यहाँ बैठ जाता है खाने के लिए, ना किसी को पड़ा। हाँ किसको क्या लेते हो मुझे खुद ही समझ आता। यही बोलता है ज्यादा, यही बोलता है। उसने अपनी कॉपी दी तो चेचे करने लग जाते हैं, और ये बीच में बोल रहा है नंदा तेरा ही गलत करके रखा हुआ है। सही कर दिया था इसने, कर दिया भाई, इसको समझ आ रहा है। आंसर इज सी, मेरे बड़ा बाबा और एक और दे दो इसको, बड़ा इससे बड़ा मैं मुझे प्लीज इससे बड़ा खाओगे, बस इससे बड़ा एक चाहिए, बस पेट भरता ही नहीं है तुम्हारा। एक इससे बड़ा सबसे बड़ा एक और इतना हो सही है, इतना सही है, कितने होंगे आ रहा है भाई सही से लिखना। अरे छह लाइन का दे दिया रे, एक मिनट कैल्शियम गलत ले लिया मैंने, क्या बोला सेम ही तो है, तो इसको तो कैल्शियम की जरूरत भी नहीं। क्या आती है तो देखो कितना कैल्शियम आया, ओनली 3 6 6 कर दिए, 3 कर दो नीचे। अरे ऊपर तो वो बस यही तो गलत होता, इसको चेंज कर लेते हैं हम, कोई बात नहीं। एक मिनट ज्यादा ले लिया, 27 ये बड़ा नंबर ले लिया, एक बार देख लूंगा सर। थर्टी टू बड़ा है ना, 27 से जैसे ही बड़ा है तो उससे पहला वाला नंबर लेना है, ऐसे टेबल करो। यहाँ पे इक्वल भी लगाना है, इक्वल ऐसा ये भी लिखना है, इक्वल ऐसा ये भी लिखना है। इक्वल क्या यहाँ पे जब यहाँ एलसीएम सीधे ले लिया तो पहले स्टेप नहीं चलाया, अब एलसीएम ले लो उसको इक्वल लगा के, थोड़ा मोटा लिखना इतना छोटा जैसे पीछे लिखा ना मोटा मोटा ऐसा लिखा हुआ। 1 से 6 को डिवाइड करोगे 16 को डायरेक्टली जोड़ दो, 6 से 1 आया, 1 से 7 ज्यादा ही रहता नहीं बनना नंबर, और एक बड़े वाला दो। ये ज्यादा बड़ा नंबर ले लिया ना इससे, इससे छोटा 27 से छोटा है, इससे ठीक पहले क्या आएगा वो पढ़ना है। 28 से पहले क्या आता है, 28 से पहले 4 का टेबल करके देख लो आराम से पढ़ो। 4 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, 28 ज्यादा आ गया ना, तो 4 6 जा लो, यहाँ 6 लिख दो पहले और 8 को मिटा दो, 24 लिख दो 8 की जगह, 8 को मिटा दो बस। आपके पास ये बस को मिटा दो, 4 के कितना बचा, 3 बस हो गया हमारा। अब मुझे बड़े वाला दो, 5 वाला आने लगा ना तुम्हें समझ में, 5 वाला भी नहीं चिपकाना है अरे 60 बोला मैंने, 60 को तुमने 60 समझ लिया, टी लिखा हुआ है, टी बोला है वो, देख लिया बेटा, कितना बड़ा हो सकता है ये, देख लिया इतना बड़ा हो सकता है, इतना बड़ा वाला आपको लेते पहले तुम
चुपचाप करने दो मुझे। एक और बस। मोदी जी अब 10 का दे दो प्लीज, 10 का प्लीज, 10 का बस, एक लाख 10 का दे दो, 10 का दे दो। मजा आ रहा है आज करने में। 10 का वो भी, 10 का। हमें 10 का ही लेना है। वही का दे, 10 का नहीं है। प्लस प्लस 6 का ही है यार। सात नहीं, 7 का है सुबह। लो एक और बाल तो है सात का। गुड। ठीक है, अब यहाँ पे तुम्हारा आ गया
एक मिनट, 40 टी कहाँ से आया? अभी यहाँ लेना 30 टी प्लस का 18 इधर आएगा माइनस 18, 30 टी माइनस 18 टी इक्वल 21 माइनस 6, बेटा इसको काटो नीचे कर लो, यहाँ कर लो, ऐसे बोल रहे हो, टी टी को एक तरफ करें लाइक टर्म्स को, तो यहाँ पे लिखा हुआ देखो तुम्हारा 30 टी, अब 18 टी इधर कुछ नहीं प्लस का इधर आएगा तो माइनस, साइन चेंज होता है ना, मैंने बताया खोल के तुमसे, ये 21 प्लस का 6 उधर जाएगा तो माइनस 6, अभी वो बता रही हूँ, माइनस करके लिखो कितने टी आए, कर लिखो ना माइनस करके लिखो, हाँ यहाँ से पूरा गलत है, पूरा मिटेगा बोलो यहाँ से, ये 7 से, हाँ तुम बोलो अरे गलत हो गया इसका थोड़ा सा, कोई बात नहीं गलत हो गया, अब सही भी हो जाएगा, अपनी जिंदगी में निकल देखो वो रजिस्टर का पेज कर रही है पूरा, अभी तो कर रहा है ना वो रजिस्टर का पेज कर रही है, मेरी मेरा वो पेंसिल या वन मिट गया मुझसे, वन मिट गया मुझसे, वन ले रहा था मोती जी, एक पेज में पूरी डिवाइड एक पेज पे हो रहा है पूरा मेरा, आप 7 का टेबल पर 20 से बड़ा नंबर ना है, 7 9 11 कभी कभार आता भी नहीं है, 7 3 जा 3 जा जाता है, 7 नहीं जाता, ठीक है देखो, तुम क्वोशेंट में 2 लिख दो, यहां पर और यहां पे लिखो 14 माइनस कर लो, 4 वो तो हो गए, आप रुको एक मिनट, माइनस गलत कर रहे हो कैसे, ये माइनस कैसे, जीरो में से माइनस करना है ना, जोड़ के रख दिया तुमने तो, यहां तो पहले जीरो में से 8 नहीं जाता, कैरी नहीं करनी है, जीरो में से 8 कहाँ जाता है, जीरो में से तो माइनस नहीं हो रहा ना, तुम्हें आता तो माइनस, तो जीरो में से तो इससे कैरी ले लो, ये दे रहा है इसको बोला ले भैया, और इसके ऊपर 1 बच गया, लो 10 में से 4 1 में से 1 करो 12, ठीक है कुछ भी साइन नहीं लगाना, खाली अगर माइनस होता है तो लगता प्लस की हमें जरूरत नहीं, अब इसे 2 से कटेंगे क्या दोनों, 3 से कटेंगे दोनों, नक्शु गलत हो गया, गलत ये 6 इतना गंदा बनाते हो, 2 कैसा है, आधे अधूरे बनाते हो तुम तो, आप ही बना लो, हो गया ये सही लिखो, फिर मुझे समझ नहीं आ पाता कुछ भी, थैंक गॉड मेरे को तुम लोग को देता है वो वाला, यहां से क्या करेगा अभी, नहीं नहीं नागन जड़ पूरे इसके बेचेगा इसे, 2 रुपए 7 वाला नहीं है, 2 रुपए नहीं देगा कोई इसके, ये एक्सीलेंट पागल हो गया, अब एक बार पढ़ के देखो कैसे गया, क्या किया तुमने, पढ़ के देखो, सब जगह मैंने ऐसे ही करा जैसे पीछे कर रहे हैं, मैम वही तो, तुमने पीछे, अरे लो कितनी भारी रजिस्टर कहां से लाए, 7 1 2 3 4 5 6 ऐसे नहीं लगाते हो बार-बार, समझाया मैंने, अरे देने में लग जाएगी, 7 3 अब ये दोनों पेन, आंसर गलत लिख दिया तुमने, सीआर लॉन्गर डिस्टेंस एंड पीए इक्वल 240 मीटर था, छोटा डिस्टेंस कवर किया था, अरे इधर आओ, ये गड़बड़ हो गया, देखो किसने ज्यादा, इसने 240 और इसका कितना था 450, किसने ज्यादा किया, सिया ने, कितना ज्यादा बोला ना, 450 माइनस 240 लिखना है, सिया ने लॉन्गर डिस्टेंस एंड पीए इक्वल 2, यहां पे लिखना पड़ेगा, ये
ये लिखना पड़ेगा 450 मीटर माइनस 240 मीटर इक्वल 210 आएगा, जो भी आएगा वो लिख देना, ठीक है। अब मैं ना स्पेलिंग है सुनूंगी जो घर से लिख के लाए हो, ये स्पेलिंग सुनूंगी जो घर से लिख के लाए हो अभी। हाँ अभी अभी नहीं तो स्पेलिंग गलत दी रखी है। इधर आओ, स्पेलिंग की तो गलती हो रही है, स्पेलिंग की तो प्रैक्टिस करनी है। लोमड़ी मुझे देखना, मैंने ऐसे मजाक में नक्श को ऐसे तो ऐसे उठा लिया आराम से, तो ना तुम मैंने कहा ना टच क्यों करती हो उसको, दूर रहो। वहाँ पे लेके गया तो तुमने उसको टच क्यों किया, तुम भी नहीं करोगे तो और मेरे पास आई क्यों, मना किया ना। हां दूर जाओ, मारेंगे और तेरी सुधरी सुधार देंगे। हां चुप रहो, उल्टा मत बुला लो। हो गया तुम्हारा, अपना वो इंग्लिश उसका जीके का करो, बैठ जाओ इधर। अब एक बार तुम दूर रहो, इधर बैठ जाओ। एक बार ले लेना है, एक बार। अब ऐसे एक बार ज्यादा आ रहा है, तो सेवन बार लेंगे। सेवन बार लेंगे। नेता इन्हें चाहिए ना, वो जाएंगे जाओ जाएंगे जाओ जाएंगे जाओ जाएंगे जाओ जाएंगे जाओ जाएंगे। बोले स्पेलिंग गलत हो रही है, सिर्फ स्पेलिंग को प्रैक्टिस करो तुम। 49 आ रहा है मुझे। वैसे सही लिखा हुआ, काम को क्या कर लिया उन्हें, घर चढ़ना पड़ेगा, बैठ जाओ शांति से। कंप्यूटर वाली मैम ने क्या कहा है, अगर कोई स्पेलिंग बड़ी दिख रही है, अगर वो थोड़ी बहुत उसके अंदर मिक्स हो जाते हैं, मैं काटूंगी नहीं। फिर भी हमें सही लिखना आना चाहिए ना, मैडम नहीं काटेगी, आगे जाके तो कटेगा कोई ना कोई, तुम्हारी मैडम बोल रही है ना नहीं काटेंगी, और सब तो काट सही मायने में तो गलत है, तो उसपे गोला लगेगा ही लगेगा, और क्या सीख रहे हैं हम, ये तो सीख रहे हैं स्पेलिंग सही आना चाहिए लिखना। स्पेलिंग भी नहीं आती तो फिर क्या आता है। कर लो आप 45 का टेबल पर 45 से बढ़ाना है। 7 बार भी बड़ा आ रहा है, कुछ नहीं पता, 7 जब 49 होता है ना तो बड़ा नहीं आ रहा 7 बार में, सिग्नल ले लेना है। अब तनिष्का खुद जा रही हो, फिर कहती है मार दिया, सही कर दिया, क्यों जा रही हो उसके पास, दूर रहो उससे, बोल रही हूँ बार बार। शांति तो खुद को भी नहीं है ना, पहले स्पीच की सारी सुना दो। हाँ उसके पास ना पकड़ो, अपनी स्पेलिंग है सुधारो, स्पेलिंग की गलती हो रही है। मैंने देख लिया, इतनी वजह से तो आई।
मैंने काम तुम्हें दिया इसका। अभी ग्रामर का काम करोगे, मैथ्स में 2 से 20 तक टेबल लिख के लाने हैं, रखो ऐसे बैग में फटाफट। मासी जी मेरे यूट्यूब ना 4 तारीख से है, मेरे तो खत्म होने वाले हैं बस। डुगो घर से टेबल लिख के लाने हैं 2 से 12 तक, और साफ साफ चाहिए मुझे काम, जिसका साफ नहीं होगा 4 बार लिखवाऊंगी यहाँ पे 2 से 20 तक। 2 से 20 तक साफ लिख के लाना एकदम, और सही भी होना चाहिए। अब क्या करना है? तन्मय कुछ बोल रहा है ना, मैंने मतलब उसके साथ नहीं, इसे बैग में रखो, ये कवर अपना बैग में रखो, अपने कॉपी के साथ लगा के इसे बैग में रखो, रखो बैग में, मैं इंग्लिश का काम करो अभी। तुम भी निकालो तुम्हारा भी इंग्लिश। दे ना यार, बदतमीजी मत करा कर। नहीं करना है, हम पूरे पक चुके हैं, सारे टेंशन से आप चुके ना चुके हैं। पकोड़े गोली पकोड़े पकोड़े मैं जैसे तुम्हें कुछ भी दे दिया फिर मैं कहूंगी इससे ये वाले में चेंज करके बताओ इस वाले को अच्छे लिखना। अच्छा जैसे आपने मुझे कोई भी पहले भी एक बार दिए थे उनके साथ दिए थे, जैसे आप ही निकल रहा तो चारों नहीं, मैं तुम्हें सिर्फ कुछ भी, जैसे मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट का दिया, मैं इसको पास्ट इंडेफिनिट में कैसे बनाऊं? अच्छा नेगेटिव कैसे बनाओगी इसका कुछ भी? अच्छा अच्छा जैसे आप ही ने चार दे दिए तो आप ही ने कोई भी मुझे एक दे दिया फिर मैंने कहा इसको इसमें चेंज कर दो। एक मिनट, आप मुझे इनकी कॉपी दे देना, मुझे देखना है। क्या कर रहे हो वहाँ? ऊपर नीचे खड़ी हुई थी, मेरा लेके आ गया। लो पढ़ लो इसमें से जो पढ़ना है। तन्मय कुछ बोला है ना मैंने? फिर क्यों देख रहे हो उन्हें? जल्दी मुझे सुना दो उन्हें, मत देखो। She does not stand. इधर आ जाओ। Does she dance? अपनी बार भी वाइस करो फटाफट। एक बार बार भी वाइस करो, सारी में से पूछ रही हूँ मैं फटाफट। लो बैठ जाओ। एक ही पूछे तो मेरी है, दो मेरी। लो तुम्हारी है। जो जिसके देख रहा नाम पढ़ो। मेरे पहले सुन लो। नक्शी है तुम्हारी, लो। हाँ ये आपकी। लो। सर भी याद करो फटाफट, सारी जो लिखा रखी है रिवाइज करो फटाफट, बैठ जाओ। सॉरी हाँ, रिवाइज करनी है, याद तो करवाई हुई है, रिवाइज करने में भी दिक्कत है तुम्हें, और सुनानी भी है। और क्या तनिष्का को सुना देना। ले बैठिए मानानी मानानी, मेरे 3 पे सुन ले भाई। 1 मिनट दीजिए, देखो बस 1 मिनट, बस बाबू परफेक्शन डेफिनेट भी नहीं आता होगा। और का पास मैं कुछ और देख रही हूँ, एक ये मतलब ये साथ पे ये फैलिंग भी। हाँ स्टॉप चूस क्या चूस गलत। चूज चोज चोजन मोदी चूज मोदी क्या लिख रखा है? चोज चोज चूज चोज चोजन और बोलिए गलत बस ठीक है, उससे समझ आ गया ना। राइस मैंने राइस बोला है। राइस आरोज आरोज फुट ये क्या है? सही क्या है? स्वेप्ट क्या
Teach. Teach to toad. Agree. Agree every devil. Act. Act every devil. Arise. हम चार पे सुन लिए को पे. Arise. Arise तारों का arise. Answer. Answer answer answer. Waiting पे. Arise. Arrive arrive arrive. Beat. Beat beat beat. Beat. Beat beat. नहीं beat bad button. Beak. Beak bro. Huh? Right. Right road written. Sit. Sit, sit, sit. Put. Sit nahi hai, wo sat hai wali wo. Sit. Sat hai wo. ठीक है ना, put. Put, put, put. Choose. Choose. अब हम वही चल रहे हैं ये बात. Advice. Advice, advice. ये सुन ले पहले. ये सुन ले. नहीं. सुनना है ना. और पहले बताना advice. Advice, advice, advice. ये और सुन ले. मुझे बहुत सारी आती है रे. बुक दे दो, मैं बुक से सुनूंगी. मुझे इसमें थोड़ा समझ नहीं आ रहा है. बुक दे दो, बुक से सुनूंगी. अगर मैं जिस पर अटक गया तब देख. अरे ज्यादा नहीं, एक दो, दो तीन तीन है. तीन बची है. डेकोरेट डेकोरेट डेकोरेटेड डेकोरेटेड. अब दो मिनट चुप हो जाइए वरना. अभी भी सुन रही है? वहीं तक सुनी हो. अब्यूज अब्यूज अब्यूज. डिवाइड डिवाइड डिवाइडेड डिवाइडेड. मोजीज के आप दो दो वन वन. एंटर 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 एंटर. ईट 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 ईट. चुप हो जाना. ईट ईट ईट. अब मेरे से पूछ. चूज 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 चूजन. स्टॉप 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 द स्टॉप. सेट क्या होमवर्क दिया मैंने? वो मैंने जो आज उसको पक्का याद करके आना मैंने. स्टोल स्टोलन. राइस राइस क्या? राइस राइस रोज राइजन. ढेबा लेक ढेबा लेक. चिल्का लेक. चिल्का लेक. फिनिश चिल्का. फाइल फाइल. लेकी लेक. कोलेरू लेक. फाइट सी के ओ. फाइट डबल एल फोर आर डबल एल ई डबल एल ई आर. फुट यू फुट. आर यू आर यू रू. अल्ले के ओ के ओ डबल एल ई कोले आर यू रू कोले रू. ऐसे आप करो. सांभर सॉल्ट लेक. सांभर सांभर सुई पाओ उसमें से सॉल्ट में क्या हुआ है? मेरा भाई तुमने निशान लगाया है. मैंने सांभर सॉल्ट लेक. अरे लग जाए उसके ऊपर मतलब. सॉल्ट ले. बात बात बात. ये भी याद करना था. बिकम बिकेम क्या लिखा? कैसा ब्लैंक का मोरल को इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट. कैसा ब्लैंक का? बैग बैग बैग. रोटरडैम. अरे कहाँ? बैट बिटन. ये किसी और का है इसमें? यहाँ ये फुटी फटी हो गया. मैंने सोचा ये लाइन गाइस क्या बोला? इधर होगा इसका. मैं वहाँ पॉइंट कर रही हूँ. ये काम नहीं कर क्यों नहीं दिया? ब्रेक ब्रेक ब्रोक ब्रोकन. ब्रिंग ब्रिंग ब्रोथ ब्रोथ. बिल्ड बाय लोग. सांग लेक.
लोक ताक ले, लोक ताक ले क्या, लोक ताक जो भी है, लोक एलओ सी बाय बोट क्या, लोक ताक ले, लोक ताक ले एलओ बाइट ओ बाइट बी बाइट एलओ के एलओ के लोक ताक खड़ा हो जाओ ना, ये के और लेक एल के लेक पुष्कर लेक पी ओ एस एस के आर एस एल के लेक केरल के ई आर ए एल ए नैनीताल एन ए आई ओ नाइट ई ए एल जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर वंडरलैंड यू एन नो कश्मीर की के नेट आई नेट कश्मीर कश्मीर को ना कश्मीर के ई एस एच के ए एस एच लाइफ एम ई आर लाइफ आई आर लाइव लिव्ड जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर सुना तो नहीं थी, सुना फिर से जे ए डबल एन मूवी मूवी है ना एंड स्पेलिंग बताइए एम ओ वी डी ए एस एच एम आई आर मूवी का डल ले मूवी के एंड डल ले की ले मोदी जी नैनीताल एन ए आई ए आई टी ए एल मेक 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 हुसैन सागर ले एच यू डबल ए आई एन एस ए जी ए आर के ले ले के और एक तुम्हारा 49 पे जाऊंगा मैं प्रॉमिस अरे मोजी मैंने सारे सुना दिए साथ के साथ मेरे को सुन सारे क्या सुनने तुम्हारे वो सुनेगा उसे दे दो चलो वो सुनेगा वो चलो तुम सुन लो चलो कोई नहीं हमारी बात क्लियर हो जाएगी मैं हां बर्ब सुनो बर्ब से मेरी लाय बर्ब तीन चार स्टार्टिंग में है स्टार्टिंग में अरे मत जाओ से देख कैसे फेंकते हो मैं भी सुनाऊंगा बर्बिन से कितने में सुना इन द और एक मिनट जा इधर इधर तुम से सुन लिया अब ये सुन एक एक बार एक बार सुना कितने पे सुना अरे तीन पे एक एक बार सुन लो एक एक बार मैंने तो सुना दिए तीन पेज आगे के दो और तीन के दो पेज मैंने तीन सुनाए ना हां तो अभी तक नेक्स्ट से सुनना है चल सुना बोलो ब्लो ब्लो ब्लू ब्लोन कैच कैच कोट कोट चूज माय चूज 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 तारे तुम मत बोलो अभी बीच में रहो मैं बोलने वाला हूं कम केम कल बात एक पेज मेरे किराए 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 क्लाइंब अकबर क्लाइंब 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 भाई छपो डांस 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 डू डू डिड डन डिड डन जब मैं बोल रही हूँ तब मना कर रहे हैं जब ये बोल रही है तब मना नहीं कर रहे ड्रिंकर मन कर रहा है अरे अबे तू क्यों बता रहा है जब ये बताती तब मैं बोला नहीं बोला डुगु के बारे में सुना है मैंने ड्रिंक जब मैंने सुना है ये कौन ये कौन है बोलो नक्श ये जेन उसके बीच में मत बोलो और ये रख मन में क्यों बोलो ये रख बोलो ना काम करो अपना अरे भाई सुना कच्चा आ भी यू कर रहा था जल्दी बात हो
गंदी बात होती है, सब नहीं करना है। लाइटिंग माने चलाते हैं ना, लाइटिंग लाइटिंग
ऐसे ऐसे करती है, ऐसे 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 करती है, मुझे ऐसे 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 चला रही है, ऐसे ऐसे करती है। स्टीव वॉज़नियाक का नहीं निशान लगाया मैंने, ये बी एस साथ में। तो एलन मस्क, एलन मस्क, ई एल ओ एन एम एस के मस्क, सुंदर पिचाई। साफ साफ लिखो, हाथ रखो ना, तभी तो गंदे ना, एक हाथ से लिखता रहता है, यहाँ हाथ लगाओ ना। ये मैं काट दूंगी, बैठा रहेगा यहाँ पे, फोन साफ लिख लो मिटा के। सोनिया सिंगल, सोनिया सिंगल, एस वाई एस वाई ए एन ए एन जी ए एन। एच बड़ा है, पहला लेटर कैपिटल, कितनी बार बताऊं? धीरू भाई अंबानी की बताओ। बी एच आई आर यू भाई, बी एच ए भाई अंबानी, ए एम बी ए एन अंबानी फैमिली है। ओला ओले, पोल एलन, पोल एलन, पी ए यू एल ओ ए डबल एल ई एन। सही सुना दिए तुमने, वाले अंदर कहीं थोड़ा सा गड़बड़ हुआ था तुम्हारा, 40 से, जबकि 46 ही पहले आने। अब मैं ऐसे पूछूंगी, डैश इज वन ऑफ द को फाउंडर्स ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट फ्रॉम पेपाल। सुन लो ऐसे सुन लो मैं, अच्छा डैश वाज द चेयरमैन ऑफ द टाटा ग्रुप। ये तो पता चल जाएगा, लार्जेस्ट बिजनेस हाउस। डैश इज एन इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट, ही इज वन ऑफ द फाउंडर ऑफ इंफोसिस। इंफोसिस का फाउंडर है। मुझे दे, मुझे दे। Who has received many awards including Padma Vibhushan also, an industrialist, kaise aa sakta hai industrialist, who hai, ha Narayana Murthy, theek hai। Ab kya ho bhai, Dash created Apple computer, Steve Jobs। Dash is the co-founder of and CEO of Netflix, wo Reed Hastings। Dash is the founder of Biocon, yeah Biocon, Biocon wo ना ना लड़की है। अच्छा वो किरण, मुजुमदार, मुजुमदार मुजुमदार शो, ठीक है। डैश एंड डैश वर स्टूडेंट्स एट स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी व्हेन दे क्रिएटेड अ सर्च इंजन। सर्जी ब्रिन एंड लैरी पेज। गुड। व्हिच इंडियन ग्लोबल लीडर बिकेम द सीईओ ऑफ गैप एंड अपैरल रिटेलर इन 2020। रख लेना अपने, इंडिया बॉन्ड लीडर है, सीईओ बना था, सीईओ बना था सोनिया सिंगल। हां गुड। हु इज द सीईओ ऑफ बोथ गूगल एंड इट्स होल्डिंग कंपनी अल्फाबेट? लैरी पेज। नो नो नो, ओ टाटा, ओ धीरू भाई अंबानी, सर्जे, ओ ओ पे चाय से दाओ, टाटा वाली है, इतनी सुंदर 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 पिचाई, क्या बोला? Along with Bill Gates is the co-founder of Microsoft. Microsoft Bill Gates, वो along with Bill Gates के साथ था, co-founder है वो Bill Gates। आप मुझे क्या कर रहे हो? वो Elon Musk। फर्स्ट वाला है नीचे जो दिए है बुक वर्क में। अच्छा। Paul Allen। Paul Allen। चलो इनको भी एक बार, इसको रख दो बैग में। आप निकालो अपना EBS का लेसन 18 के बुक वर्क में भरने के लिए। अरे छोड़ो।
निकालो लेसन 18 नहीं लिखने का नहीं करवा रही मैं ठीक है। आई डू नॉट डांस एवरी डे सही बता रही हूँ। क्या होगा ऐसा आएगा फिर? नहीं ना तुम बताओ क्या बता रही हो। हम रोज पढ़ाई करते हैं। हाँ बताओ। और मैं हिंदी वाले को डू रीड हिंदी को तो मैं भी टेंसेस करा दूँ। नहीं करा दो लाओ कॉपी दो काही रजिस्टर दो ये मेरे जैसे थी जल्दी दो रजिस्टर फटाफट हमारे घर वाले करा दो ना तेरे में करूँगा तुम्हारा प्लूरल प्लूरल के साथ डू आता है इंग्लिश में आई प्लूरल ये मैं काट दूंगी। मैं बोलूं पूरा लाइन में लिखो डांस हाथ लगा लो या तब लिखा जाएगा तब ये वो तो इधर आ गई आई डू नॉट डांस व्हाई नॉट डांस एवरी डे। हां ठीक है आई डू नॉट डांस एवरी डे और फुल स्टॉप। और सही है सब फटा ये दे दे ना आई डू नॉट डांस एवरीडे नहीं आएगा आएगा लास्ट में एवरीडे सब में आएगा। अरे वो तो बस सेम है हो रहा है ना कुछ लिखा हुआ आई डू नॉट डांस एवरीडे सेम हो रहा है तो मैं वैसे आई डू नॉट डांस एवरीडे। अरे अब बनाना क्या एवरी की स्पेलिंग में वाई नहीं लगा ई वी ई आर वाई लग लिखो है ना अभी वाई एवरीडे वाई लगाओ आर के बाद। अब तुम्हें इंटरोगेटिव बनाना है ने डू आई डांस एवरी डे और क्वेश्चन मार्क क्या मैं रोज डांस करता हूं उसको छोड़ दो जोनी एक दिन यहां बहुत तेज से फट रहे थे बहुत सारे जो बनने हैं वो कर लो जोनी बनने से छोड़ दो यार अब तुम जब तुम तीनों चले गए थे हम बहुत तेज से फट रहे थे इधर तो घर की लाइट लगी ना वहां पर सामने वाली पे टूट गई लो तो दूसरी ले ले अब नहीं
राइट और एक जन है तो क्या लगाएंगे राइट में ऐसे लगा देना चिड़िया को बोलते हैं स्पैरो उंगली मत दबा लेना फिर कहेगी उंगली दबा दी ऊपर सीधे बैठ के लिखो एक बार स्पैरो तो एक मतलब पर्टिकुलर वो गोरैया चिड़िया कहते हैं चिड़िया मीन्स बर्ड लिखो ना है तो बर्ड्स लिख दो उस हिसाब से सोचा था हाँ क्या लिखती है वो शी राइट्स अ लेटर क्या बोलते हैं चार्प सी एच ए आर पी आई एन मैं मैंने बुक ओपन कर लिया चर्पिंग चर्पिंग करता है हाँ कर दिया मैंने जब डेट डाल दो और डेट 25 है अरे 25 तो होता है दे वे तुम्हें जानते हैं वे नो यू कौन सा टेंस है मैंने बताओ जानते हैं ले लेना जानते थे अरे कौन सा थे ये कौन सा टेंस है पास्ट चलिए पास्ट 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 का कौन सा है वो इंडेफिनिट ये कैसे बनाओ है लगता है उसमें लो भाई करो मेरी पेंसिल दियो मैं नहीं दे रहा क्यों मैं शॉपनर दूँ हाँ ये डी स्मॉल बनाओ कैपिटल बना दिया तुमने बीच में लाओ तुम भी एक बार चेक कराओ मैं देखूँ सही किया तुमने अरे मैंने बना ले लिया अब ये गड़बड़ क्या कर दिया तुमने टेंस सही बना बताती हो कि मुझे गलत बता देती हो करके दादा चौरपिंग नहीं सी एच आई आर पी होता है चौरपिंग तनिष्का सही बना रही हो बस एक गड़बड़ हो गया तुम्हारा क्या आ जाओ ऊपर पुस्टॉप लगा दिया तो सही से मैं दे रहा अरे काम क्या है क्या था तुम्हें रोज में तुम्हारे तुम्हें दी तो थी दोनों थी तुम्हारे पास दी थी ना मेरे पास थी ने ले ली और पता नहीं कहां गिर दी ने ये तो चेक कर दो अपना सामान का खुद ध्यान रखो नहीं दे रहा है नहीं कुछ भी रोज का आएगा तो इनकी हालत ही खराब है मैंने वो भी क्वेश्चन वो भी तो रखा है चीज संभाल के तुम्हें भी रखा है ये क्वेश्चन मार्क लगा दिया रोज क्या क्वेश्चन मार्क तो मिटा दो ना लगा दिया तो नहीं लेके आते तुम्हारी गलती है तुम्हारा लड़ने में सारे चीजों में ध्यान देता वो भी तो अपनी चीजें की ऐसे रखता है मैं करना दे दो उसको रबा हाँ ये प्लेस क्योंकि टैबलेट है वेरी गुड सही बता दिया हाँ देखो भाई ये ना आग में लग जाएगा पेन जैसे रखा हुआ है कहाँ गया ये गड़बड़ था तुम्हारा तुमने कौन सा टेंस बताया टेंस का नाम बताओ पास्ट कौन सा तो मेन वर्ब की क्या थी सिंपल में सेकंड सेकंड न्यू हो गया दे न्यू यू They did not know. और did आ गया तो first आ जाएगी फिर ठीक है क्या तुम school नहीं अबे तो सही बना रही थी ये सही नहीं है क्या नहीं है था कौन सा tense है हाँ वो past perfect tense जिसमें had लगता तो had आएगा ना अभी फिर had भी नहीं आएगा past perfect continuous होगा time भी देगा अरे been हटा दिया had को सही करना होगा सूटी नहीं हो क्या करती हो हेड को सही करना है मैं इधर बैठो आके इधर आके बैठ गई और वो उतनी दूर से चिल्लाया जा रहा है डू यू गो नॉट स्कूल अरे आज मैं डू नहीं
राइट के साथ क्या आती है फर्स्ट फॉर्म राइट लेटर डिड यू नॉट गो टू स्कूल क्वेश्चन मार्क हां जी रीड में क्या लगेगा रा रही है ना फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाओगी हां सही है डिड यू नॉट गो टू स्कूल रीड रेड रीड अरे फर्स्ट फॉर्म में आई एनजी लगेगा रा रही नहीं है रीड रेड के ऊपर जा रही हो ये तब जाएगी जरूरत को Did you not go to school? ये टेस्ट टिकट है अभी फुल स्टॉप लगाया करो खुद से खुद पता होना चाहिए मैं फुल स्टॉप लगाना है चलो नेक्स्ट राइटर लेटर हां अब ऐसे नहीं लगाना अब इनमें तीन चारों में ऐसे नहीं तीनों में ऐसे नहीं लगाना सिर्फ राइटर लेटर तुम एक बजे से नहीं पढ़ रहे थे कौन सा टेंस था थी ये तो कौन सा टेंस होता है पास्ट रह रही होता है तो कंटीन्यूअस लेकिन टाइम भी दिया है तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस लास्ट वाला है तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है हेल्पिंग वर्ब इज आर तो खाली कंटीन्यूअस में लगती है इज आर तो प्रेजेंट के पास में हैड बीन हां हैड बीन आई थी वेरी गुड अब शुरू में क्या लगेगा क्या तुम एक बार से नहीं पढ़ रहे थे तो हेल्पिंग वर्ब शुरू में लगाओ मोस्टली हम रोज हैड फिर सब्जेक्ट लिखो हैड अब सब्जेक्ट लिखो वह लड़का वह लड़का दूर की बात करें एक लड़का है बताएगा दैट बॉय हैड यू नॉट बीन ठीक है सुनो क्या नहीं कर रहे हो तुम क्या नहीं सब्जेक्ट देखो इधर में सॉरी हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट और नॉट लग गया हैड यू नॉट बीन क्या नहीं कर रहे हो तुम स्टडी में क्या लगाएंगे वेरी गुड हैड यू नॉट बीन स्टडिंग और सिंस या फॉर लगा के मोरी दैट बॉय क्रिकेट मैच स्टडिंग सिंस वन सिंस 1 o'clock हां दैट बॉय काम क्या कर रहा है वो दैट बॉय सब्जेक्ट में काम क्या कर रहा है प्ले प्ले लिखो मोरी जी हां हम रोज पढ़ाई करते हैं रिजल्ट इन लेसन वी काम क्या हो रहा है पढ़ने का टीच नहीं पढ़ा नहीं नहीं पढ़ रही हो रीड ऐसे बनेगा रीड करो ऐसे हां थोड़ा ठीक है सेंस की स्पेलिंग क्या लिखी है एस आई एन सी की ठीक है क्लॉक लिख दो यहां दैट बॉय प्ले अ मैच दैट बॉय प्ले अ मैच ठीक है मैंने लिखवाया वह लड़का क्रिकेट मैच खेलता है दैट बॉय प्ले ए कह रहा है लड़का तो प्ले में क्या लगाओगे एस That boy plays cricket match. Plays the cricket match. Now. Had you not been studying since 1 o'clock? Question mark लगा दो इसमें question mark लगेगा ना. पूछ रहे हैं. जब भी question किया जाए question mark लगा दिया तो question नहीं तोड़ते हैं. मत तोड़ो. क्या तुम रोज मंदिर जाते हो हाँ पहले देखो कौन सा टेंस है ते हो प्रेजेंटिंग नाउन वर्ब और क्या आती है इसमें डू इट यू के साथ तुम के साथ क्या आती है मौसी जी मेरे पास डू यू ठीक है देखो हैड नॉट बीन आएगा डू यू गो टेंपल सेंस में दो ही लगा दिए इधर को आ जाओ हिज ब्रदर हैड नॉट बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग अगरबत्ती किसने ला दी ना Since morning, we do not. क्या we do not every day? हम रोज नहीं जाती. ये not बीच में आएगा ना? यहाँ गलत है रहा होगा वाला. ये तो गलत ही है दोनों ही sentence. अभी देख रही हूँ वाला. हाँ तो बोलो. Do you go temple? Two लगाते हैं. Do you go to temple? सिर्फ home के पहले two नहीं लगाते हैं. House के पहले बाकी end पहले two लगाते हैं. नहीं जाते हैं. Do you go to temple? अरे जन्मदिन पे तोहफा मिला है तो बनाया नहीं तुमने और यहाँ पे तुम्हारा चाहिए वह 2 बजे से खेल रहा होगा कौन सा टेंस लगा होगा
वहाँ चले गए फ्यूचर में, फ्यूचर पर। तो अब हैड बीन कहाँ से घुसा दिया इसमें? बी हैव शैल हैव शैल हैव बीन। ये बेटे 4 जुलाई को आता है। मेरी एक दोस्त है, उसका 10 को आता है, मेरा 9 को आता है। 9-10 मेरी प्ले को प्लेन लिख दिया। 9-10 मेरा 9-10 लड़की का 10 मेरी 9-10 और दूसरे मेरा एक। अरे मत करो, मत करो ऐसे। मेरा 4 जुलाई बच्चे का पार्टी है। हां तो कैसे ना से होता है। 14 जुलाई में आता है ज्यादातर, क्योंकि जुलाई में गर्मी होती है। गर्मी होती है। मैं तो स्प्रिंग सीजन में पैदा हुई थी। स्प्रिंग मतलब स्प्रिंग में ठंड होती है ना? ठंड होती है ना, सबसे अच्छा सीजन होता है। फरवरी में भी, फरवरी में नए नए फूल आते हैं, नई नई पत्तियां आती हैं। फरवरी में आता है ना सीजन। ट्रेन तक पलट जाती है फरवरी में ना, ठंड होते ना गर्मी होती है। दे 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 कल्लू कल्लू सबको बंद हो। और जनवरी में इतनी ठंड होती है, इतनी ठंड हो रही है। मेरे प्रेजेंटिंग डेफिनेट है। हाँ, ये कंटीन्यूअस में मतलब खड़े हैं बैठे हैं। वे लड़के बहुत सारे हैं। दैट बॉय दे दो बे वे लड़के बहुत सारे। दीज बॉय दोज बॉय दोज बॉय दूर हैं। तो वे लड़के दो बॉयज आर स्टैंडिंग। हां पार अभी दो बॉयज आर स्टैंडिंग पार अभी। इधर आओ, एक लड़का है वो दैट बॉय दी दैट बॉय गलत कर दिया। अरे एक बना के दिखा रही हूं, सारे बना के रख दिया मिटाते रहो इन्हें बैठ के। एक बना के चेक कराया करो, ठीक है? Does she not write a letter? ठीक है, that boy नहीं, वह लड़का क्रिकेट में, that boy, फिर काम क्या हो रहा है? खेलना ही मिटा दो, ये गलत हो गया तुम्हारा। ना मैं मिटा के देती हूँ, हाँ तो रबड़ दो, मैं मिटाती हूँ। एक एक ही चेक करा दिया करो तुम मुझे, ठीक है? वेरी गुड, एक लड़का ना, दैट बॉय। अब काम क्या हो रहा है? प्ले प्ले क्रिकेट मैच। दैट बॉय प्ले क्रिकेट मैच। और डांसर काम कर लो अपना। अरे अबे की स्पेलिंग क्या होती है? JWAY। साफ साफ लिखो, लाइनों में लिखना सिखाती हूँ। एक दिन बाद फिर दूसरी आप वही गड़बड़ करते हो। लाइनों में ही लिखना है इसको। ये एच पूरा ऐसे बनाओ नीचे तक टच करके। इसमें तो मैंने दी होती मोटा सा डी है बनाओ। चलो बैठ जाओ। दैट बॉय नो। और तनिष्का दीदी, और तनिष्का आओ इधर। ये करना है लास्ट में ना, ये वाला सेंटेंस बना लो। तो आएंगे तो घूमती है इतना। ये फास्ट सही होगी। बॉय इज स्टैंडिंग फार अवे। लाओ क्वेश्चन मार्क नहीं लगाओगे? डू यू गो टू टेंपल? वी डू नॉट प्लक फ्लावर्स। ठीक है, लो लाओ भाई। ये वाला मेरे से बनी तो नहीं आता, मैं आपसे है चित्र खुद को से कर कौन से ना। अरे मुझे बस ये बता दो, उसके उसके कुत्ता का कुत्ता खेलता है। सांस ले लो पहले। अरे वो लगे वाला है जो मरने वाला है। सुनो भाई, दैट बॉय प्लेज। सांस ले ले पहले। ये डी बीच में चुबड़ा बना दिया तुमने। बस कोई नहीं बनेगा। पहला लेटर कैपिटल बनाना है बस। किसी का नाम पाप आ जाए तो अलग बात है, नहीं तो कैपिटल बस पहले। ये अलग दुनिया से आए और सार सही है। पेन में अपना करो। अरे तो पूरा गलत। बॉय यहीं पे तो ये सब्जेक्ट है। दैट बॉय डज नॉट प्ले। बोल जल्दी आओ। एक तारे देखो क्या है। देखो एक मोसारा, एक मोसारा, दो दो एक साथ कुछ भी नहीं देखता। सारे एक साथ दिख रहा है के पास। अरे इधर आ जाओ। दो है वो। नहीं एक है। एक है वो। इसे चश्मे से सही से दिख रहा होगा। अरे वो उधर। अरे ट्रेन को चांद को भी चांद को भी लगी थी। अरे लगी थी। अरे हट जाओ, मेरे डांसर है। अरे अपना काम करो। आ जाओ इधर। नहीं रुक जाओ, रुक जाओ। और तनिष्का मना कर रही हो ना, फिर पिटोगे तुम। चलो इधर आ जाओ, इधर नेक्स्ट करो। मैंने सही किया जो तुम्हारा कैप्टन था। उन्होंने मुझे उन्होंने
उंगली तब जाएगी जहाँ बारह डंडा था उधर। इधर को आ जाओ, आओ इधर काम करो। छोटा काम करो, उधर जा अरे यार बॉयज निकल रहा बात बोल रही हूँ, एक लड़का है वो वह लड़का, एक लड़का है ना लड़के का, ये सब्जेक्ट है पूरा डेड बॉय। अबे क्या कर रही है, मार दूँगा। शेल भी नहीं थी, शेल है और बिल है, बस ये शेल है या बिल है। ए रुको एक मिनट, चुप बैठो थोड़े, बनाओ डेड क्या लिखना है, बॉय, ये सब्जेक्ट डेड बॉय। अब नहीं के लिए क्या लगाओगे, एक लड़का है नॉट, नहीं हेल्पिंग वर्ब बता रखी है ना मौसी जी। अरे चुप रहो, बोले एक के लिए क्या लगाते हैं, हाँ हाँ बोलो सही, डू नॉट या डज नॉट, तो इसमें क्या आएगा, डज डज नॉट, डी छोटा बनाना। हाँ बोलो, मुझे क्या बोलते हैं, उन्होंने को मुझे क्या पता क्या बोलते हैं, तुम बताओ ना, इतने सारे देखो कुछ भी नहीं ध्यान रखती, दे मुझे दे, खुद पढ़ो अब जो भी है, डज नॉट, अब ये ऐसा हट जाएगा, ठीक है, डज लग गया ना प्ले में से ऐसा हट जाएगा, मुझे दे माई, दैट बॉय डज नॉट प्ले क्रिकेट मैच, मुझे मुझे She will have काम क्या करा है, क्या क्या बनाया, चित्र बनाने क्या कहते हैं, ड्रॉ ठीक है, ठीक है ड्रोन क्या बनाते हो, पिक्चर देखो उसने, देखो उसका सैंडल देखो, उन्होंने मुझे मेरे जन्मदिन पर तोहफा दिया, उसने लिखा दे थ्रो गिफ्ट भी, उन्होंने मेरे ऊपर गिफ्ट फेंका, मुझे गिफ्ट फेंका, गिफ्ट उन्होंने मुझे, पहली बात तो कौन सा टेंस है, आ ई ए पास्ट इंडेफिनिट, तो मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, सेकंड, तो सेकंड कहां लगाई तुमने, दिया को, दिया को थ्रो फेंका था उसके हमारे ऊपर, ले गिव तेरे बर्थडे पे, मैंने को उंगली दिखा दी है, दे नियति, हां गिव, गिव की सेकंड फॉर्म गिव है, अब तुम छेड़ रहे हो उसको पिटोगे क्या, एनी आई दे गिव, क्या दिया हमने, दे गिव गिफ्ट, हां वेरी गुड, ऐसे बनाओ ठीक है, फुल स्टॉप कर दो, शीर सुबह से लेकिन यहाँ तो टाइम भी दिया, तो कौन सा बन गया लगेगी, हेड तो था वाली में लगती है, हेड कोई ना आएगा, वो हेड ही है, बर्थडे को लिख दे डर्डे, इसके डर्डे पे गिफ्ट दिया है, सॉरी दे गिव गिफ्ट, दे गिव गिफ्ट टू मी, लिख दो यहाँ पे टू मी, मुझे दिया ऑन माय बर्थडे, अब देखो मेरा टाइम, आवाज आ रही है, फिर कहेगी उस दिन लग गई थी मेरे, ये हो गया वो हो गया, वन अब कर दो इन्होंने गिरेगी तो, और दीदी इसके बाद छुट्टी कर लेना, वन टू थ्री लाओ दीदी, सही कर रहे हो तुम,
सही है, गुड। क्रिकेट की तो सही नहीं लिखी है, क्रिकेट को क्या लिख दिया तुमने? CICKET होता है, अब याद रखना ठीक है। CRICKET इसने लिख दिया फ्री सेट, CRICKET और डांसर ये कॉपियां डाले यहां डांस खाना खाने को टेक फूड, कौन सा टेंस है? वेरी गुड दे, वेरी गुड दे। काम क्या करते हैं जानने को? हाँ दे नो अस, अस हाँ बस हो गया, यू एस अस अस। हाँ ये अजीब लगा ना, अस कहाँ से आ गया? हमें हमें के लिए अस होता है, दे नो अस। वे उन्हें जानते दे नो लकड़ी के एलिफेंट हाथी लकड़ी के लट्ठे ले जा रही है। एलिफेंट देखो, एलिफेंट वेरी गुड। एलिफेंट आर काम क्या कर रहे हैं? ले जाने क्या कहते हैं? कैरी, कैरी में क्या लगाएंगे? आई एन जी कैरिंग। मौसा जी नमस्ते। सी आर डबल आर आई एन जी कितनी बार बोलूंगा हो रहा है। एलिफेंट्स आर कैरिंग। मैं जा रहा हूँ बाइक को ठीक करके खड़ी करने, कवर डालने, दवाई देने। जेल में क्या है? क्या दवाई मार? अभी इनकी भी छुट्टी कर दूंगी, इनको भी ले जाना। हाँ ले जाना, ले जाएंगे जब वही ऐसे लेके जा। चाबी, चाबी में से पिंजरे की आवाज। जल्दी से जल्दी से बहुत सारे बच्चे उड़ रहे हैं। जल्दी काम करो, बाइक तो बहुत जल्दी वाली है। अरे यार मैं अपना बैग पैक कर लूँ, मुझे इसके बाद क्या करना है? कितनी तेज कान है, कितनी खुश हो गई देखो, बैग पैक कर लेती हूँ अभी साथ में। यार मैं पुलिस की बात कर रही हूँ। आवाज एलिफेंट्स आर कैरिंग कैरिंग लकड़ी के लकड़ी का क्या है? लॉग्स ऑफ वुड, एलोजीस लॉग्स, लॉग्स भी लिख सकते, खाली लॉग्स लिख के तो भी सकते। क्या है? बस कुछ यहां पे क्या भी है, टू बॉयज आर लकड़ी के लकड़ी को लॉग्स ही कहते हैं ठीक है। एलिफेंट्स आर कैरिंग मैंने इसका बुक को कर दिया, देखा हूं क्या कर दिया मैंने, होमवर्क दे रखा है पीछे कराए इसलिए लो। अभी थोड़ी देर बस एक और करना है, तो पता लगा लो आप क्या ले रहे हो। बैठ जाओ, मंच मंच डू दोस बॉयज, ये तो पहले से हो रखा है, ये बॉयज डू दो, चलो इसको करवा, इसने डू दोस बॉयज आते तो मैं करवा दूं इसको फटाफट। अब देखो एनिमल्स रेड राइट को लाइक उसे माउंट एनिमल्स कहते हैं ठीक है। द सीट ऑन अ हॉर्स कैरेज टेक फूड, हॉर्स गाड़ी में जो सीट होती है उसको सैडल कहते हैं, इस पे हम बैठते हैं। मैंने ऐसे पता चला है इनमें से कोई है नहीं करेगा। अरे उसके आम काम पहले गोदी में अरे बढ़िया हो गई, बड़ा हो गया।
ये लग बन जाएगा तुम्हारे यहाँ पे दस नहीं आता है दोस्त बहुत सारे टू दोस बॉयज आएगा अगर दोस बॉयज वाला है नक्श डू के बाद दोस बॉयज लिखना था गलत कर दिया बेटा इधर देखो ना रुक जाओ नक्श यहाँ बॉयज लिखो पहले एस लगाओ यहाँ फटाफट एस लगा दो ना बॉयज अरे एस लगा दोस बॉयज छात्र छात्र गण पाठक पाठक गण पाठको नहीं दिया था पाठक पाठक गण ऐसे दिया हुआ था बच्चा का क्या निकलता बच्चिया आप चश्मे चश्मा चश्मे गधा गधे बेलन को क्या बोलेंगे बेलन 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 मैंने बोला बेलन बेलन का प्लूरल क्या है बेलन बेलन है बेलन में तो बेलना होता है उसे किसी चीज को वो तो वो हो गया तुमने लिंग बदल दिया उसका बेलन 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 ऐसे करके मैंने कैसे हो जाएगा जैसे इनकी उसमें दिया है जो भी है ना आ बेलन बेलना छात्र छात्राएं बेलन बेलन तू हमारा भी चक्कर पैक एनिमल्स हेल्प कैरी हैवी लोड्स हैवी लोड को ढोने में पैक एनिमल्स हेल्प करते हैं यस कुत्ता पैक एनिमल्स में तीन ग्राम दे लेटर कैपिटल लिखा लो ठीक है शिप इज एन एग्जांपल ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट कुछ भी लिख सकते हैं वाटर ट्रांसपोर्ट तुमने खुद ही भरी है हां मैं खुद ही भर दिया तुम्हें तो समझ आ गया ऑप्शन आर ड्राफ्ट एनिमल ऑप्शन बोला होने वाले हैं The seat tied to the back of the horse के पीछे जो सीट बैठ है उसको सैडल कहते हैं और ब्रेडल आगे आ गया ज्यादा एक ही पहन